छह महीने हो गए इंतजार करते करते। आज सीधे सीधे बता भी दो, कब कर रहे हो हमसे शादी? अरे हम प्रॉमिस करते हैं, जैसे हमारा तलाक हो जाएगा ना, बस हम पूरी तरह तुम्हारे। ये बात तुम कब से सुनते आ रहे हैं? अरे तो अगर तलाक नहीं भी हुआ तो तुम्हें पूरी तरह खुश रखने की जिम्मेदारी हमारी, ठीक है? नहीं भी हुआ मतलब तुम हमारे साथ सिर्फ मजे करना चाहते हो? तो जिंदगी में मजे के अलावा रखा ही क्या है? छोड़ो मुझे, बस एक दूसरे को खुशी देते रहो। देखो हम बताते कैसे। ऐसे आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना हमें। स्वीटी मजे करेंगे, करो मजे, बदतमीज। स्वीटी स्वार्थ और विश्वासघात, ये दोनों किसी भी रिश्ते को तोड़ने के लिए, जिंदगियां बर्बाद करने के लिए काफी होते हैं। किसी का चेहरा देखकर उसकी नीयत का पता नहीं लगाया जा सकता। कभी कभी एक बड़ा सीधा साधा सा दिखने वाला इंसान भी भयानक वारदातों को अंजाम दे सकता है, ऐसी वारदातें जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की कहानी ऐसे ही दगाबाजों और उनकी चपेट में आई मासूम जिंदगियों की है। भाभी जी मैं चलता हूँ, ठीक है? ठीक। उड़ा लिए गुलशर अपने बॉयफ्रेंड के साथ, इसे बहुत फट्टू है, हमें आते देखते ही भाग गया। अरे आप कैसी बातें कर रहे हैं, उसने नई गाड़ी ली है इसलिए वो मिठाई देने आया था। अच्छा अगर हम अभी घर नहीं आते ना तो उसके साथ कार में घूमने जाने का भी प्लान था ना? बोल। पिंकी बेटा तुम अंदर जाओ, कम से कम पिंकी के सामने तो ऐसी बातें मत बोलिए। तो तलाक क्यों नहीं दे देती हमें? उसके बाद जितने मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाने हैं ना, उड़ाते रहना। गुलछर्रे हम नहीं, आप उड़ाते हैं बाहर। हम कुछ बोलते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ पता नहीं है। और रही बात तलाक की, भूल जाइए उसे आप। कीचड़ उछालती हूँ हम पे, हाँ? और तलाक को कैसे भूल जाए? तलाक के पेपर पे तो हम तुमसे साइन लेकर रहेंगे। आपका मन हमसे भरा है और आपको तलाक देकर हम अपनी पिंकी की जिंदगी खराब नहीं कर सकते। और अगर आपको तलाक चाहिए तो ये घर और गांव की प्रॉपर्टी मेरे और पिंकी के नाम आप कर दीजिए। मनीषा, दीपक, तुम यहाँ कैसे? पूरे 11 साल बाद मिल रही हो तुम्हारी शादी के बाद। अरे मैं तुम्हारे पुराने पति पे गई थी, फिर पता चला कि तुम वहाँ पे रहते ही नहीं हो। वो तो 4 साल पहले ही छोड़ दिया, लेकिन तुम यहाँ कब आई? पिछले साल मेरे पति के एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई, फिर माँ बाप के पास आ गई, अब वो भी नहीं रहे तो भाई रवि ही अब मेरा सहारा है। बच्चे? बच्चे तो कभी हुए ही नहीं, मैं तुम्हारा जैसा प्यार अपने पति को कर ही नहीं पाई दीपक, और ना वो मुझे। खैर छोड़ो, तुम बताओ तुम्हारी बीवी और बच्चे कैसे हैं? मेरी बीवी, उसका होना ना होना सब बराबर ही है, जगह जगह मुंह मारती फिरती है। अब लगता है माँ बाप के आगे जिद कर ली होती तो मैं तुम्हारी बीवी होती दीपक। पर अब तो तुम्हारे माँ बाप भी नहीं है बीच में आने के लिए। हम लोग वापस से एक हो सकते हैं मनीषा। 11 साल पहले जो खुशियां हम एक दूसरे को देते थे वो आज भी दे सकते हैं। सुनिए 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 जी, आपके पति दीपक वर्मा है ना जी? आपके पति को हार्ट अटैक आया है। क्या? उनको यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट किया मैंने। आप कौन है? मैं उनके ऑफिस में काम करता हूँ, उन्होंने मुझे आपको लाने के लिए भेजा है। जल्दी आइए, जल्दी आइए, आइए आइए। सीट बैठ, सीट बैठ, सीट बैठ, बांध लो आप। पापा? हाँ। माँ कहाँ है? वो कब आएंगी?
कब गई थी? दोपहर में। वो फोन घर पे भूल के गई है। आने दो, उसको बताता हूँ। अभी आ गई। तुमको, तुम यहां क्या कर रही हो मनीषा? बेटा आप अंदर जाके पढ़ाई करो। हाँ हम बुलाते हैं। तुम यहां क्या कर रही हो? कोई देख लेगा तो? देख लेने दो, मुझे किसी का डर नहीं मनीषा। अरे मिठाई तो लाओ तुम, ना मुंह मीठा करो। पर ये कौन है? पहचाना नहीं? ये मेरा भाई है रवि। 11 साल पहले मिले थे तो छोटा सा था और हमारी मदद करने लायक नहीं था, लेकिन अब इसने हमारी मदद कर दी है। तुम्हारी बीवी को हमारे रास्ते से हटा दिया दीपक। सर पता नहीं हमारी बीवी राधा कहाँ चली गई। सर बहुत ढूंढने की कोशिश करी पर कहीं नहीं मिल रही। सर प्लीज कुछ कीजिए सर, हमें समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। तुम निराश मत हो, तुम्हारी बीवी को ढूंढने की कोशिश करेंगे। यादव जी सर, इनकी मिसिंग कंप्लेन लो और कार्रवाई शुरू करो। आइए। थैंक यू सर। हेलो आसपास देखो, कुछ मिलता है? सर बॉडी आधी जली हुई है, चेहरा भी काफी बिगड़ चुका है। ऐसा लगता है किसी ने पहचान मिटाने की कोशिश की है। सर ये सैंडल मिला है। कुछ मिला? सर अभी तक कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे बॉडी की शिनाख्त हो सके। कितनी मिसिंग कंप्लेन है? सर तकरीबन 20 से 22 होंगे। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और जितनी भी मिसिंग कंप्लेन है सबको शिनाख्त के लिए बुलाओ। ओके सर। मनीषा अपना खोया हुआ प्यार हर हालत में पाना चाहती थी, इसलिए उसने एक हत्या की साजिश रची। वहीं दीपक जब उसे अपनी पत्नी की हत्या के बारे में पता लगा तो पुलिस के पास जाने के बजाय उसने मनीषा का साथ दिया। दीपक और मनीषा ने स्वार्थ में सारी हदें पार कर दी थी, लेकिन इसमें राधा का क्या दोष था? और पिंकी, वो छोटी सी बच्ची, इतनी छोटी सी उम्र में उसके सर से उसकी माँ का साया छिन गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस कहानी में एक नया मोड़ आना अभी बाकी था। माँ, माँ, कितनी बार कहा है आपको? हमें बुलाया करो ना, हम हैं ना। बताओ आपको क्या चाहिए? अरे बेटा, इस उम्र में थोड़ी थोड़ी देर में बाथरूम जाना पड़ता है। अब तुझे बार बार तकलीफ देना अच्छा नहीं लगता है। माँ आपने ऐसे कैसे सोचा? बेटी है तुम्हारी, आप हक से बोलो। जिंदगी भर हमें तो तुम्हें संभालना है। आइए आराम से। अच्छा माँ हम चलते हैं, आप ध्यान रखिए अपना। ये लो सामान की लिस्ट, आगे से खुद ही जाना सामान लाने के लिए, इतनी बड़ी लिस्ट थमा दी। प्रकाश ये बाकी के पैसे कहाँ हैं? वो तो खर्च हो गए। क्या 500 रुपए खर्च हो गए? मुझे तुम्हें सामान लेने भेजना ही नहीं चाहिए था। तुम्हें पता नहीं मेरी हालत क्या है? अरे ब्यूटी पार्लर से इतनी इनकम नहीं हो पाती है और तुमसे ना हम कमाई की उम्मीद ही छोड़ चुके हैं। हम तो कब से कह रहे हैं इस घर को बेच देते हैं, पैसों की दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। इतना बड़े घर का करेंगे क्या? एक छोटा सा घर ले लेते हैं और एक अच्छा सा बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अरे ऐसे कैसे बेच दे घर? ये हमारा पुश्तैनी मकान है, दादाजी और पापा ने बड़े प्यार से इस घर को बनाया, काफी यादें जुड़ी इस घर से, हम नहीं बेच सकते ऐसे। उन यादों को अचार डालोगी क्या? माँ की तबीयत देखिए, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। जहाँ भी बैठती है वहाँ पे कपड़े गंदे कर देती है। कम से कम उन पैसों से माँ के लिए अच्छी नर्स रख सकते हैं। प्रकाश अगर तू नौकरी कर लेना तो भी इस घर की हालत सही हो सकती है, समझा? हाँ मेरे काम करने से सब ठीक हो जाएगा, पर ये घर मत बेचना। तो फिर से शुरू हो गया और मेरे जीते जी ये घर नहीं बिकेगा, समझे? अरे राजू, प्रीति दीदी, हाय। पढ़ाई कैसी चल रही तुम्हारी? अच्छी चल रही है दीदी।
ये लो तुम्हारी चॉकलेट। थैंक यू दीदी। ए, क्या कर रहा है उधर? स्कूल नहीं जाना, चल अंदर जा और जाके तैयार कर। ए, है क्या बात? क्या ये चॉकलेट? कितनी बार कहा है अजनबी लोगों से कुछ मत लिया कर, समझ में नहीं आती बात एक बार में। चल ना। सुन, पता है ना माल किसको पहुंचाना है? पता है चाचा, लेकिन कल तो ऐसा लग रहा था कि पुलिस वाले अंकल हमें पकड़ लेंगे। चुप कर, छोटे बच्चे पर कोई शक नहीं करता। काम करेगा तो खाना मिलेगा, नहीं तो बहुत मार खाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, चल फटाफट दे क्या। शाबाश। खा बेटा। अरे प्रीति, आओ बेटा आओ, तुम्हारी राह देख रहे थे। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते फूफा जी। खुश रहो बेटा। हाय विनोद भैया। मैं ना कहती थी कितनी अच्छी जोड़ी लग रही है दोनों की। जोड़ी? ये सब क्या चल रहा है माँ, हमें कुछ समझ नहीं आया। अरे प्रीति बैठ बैठ। वो क्या है ना प्रीति, विनोद हमें बहुत पहले से कह रहा है कि हमको प्रीति से ही शादी करनी है। हमें तो कोई ऐतराज नहीं। लेकिन माँ हमें ऐतराज है, विनोद हमारा कजिन भाई है, बचपन से उसे भैया कहते आ रहे, अभी अचानक से पति कैसे मान लूं मैं? सब जानते हैं कि विनोद हमारे जेठ का लड़का है, उनके स्वर्गवास होने के बाद हमने विनोद को गोद ले लिया था। अरे तुम्हारा भैया कहाँ से हुआ? अब कितना अच्छा रिश्ता है ना, घर की बात घर में रहेगी। ये सब हमसे नहीं हो पाएगा। प्रीति, प्रीति बेटा, अचानक ये सब बात सुन के परेशान हो गई होगी, थोड़ा वक्त दोस्त को सोचने के लिए। तू बैठ बैठ। ए प्रकाश उठ, ले समोसा का, बैठ बैठ बैठ। गंजाम क्या से लाया हूँ, बहुत पसंद है ना तुझे। कहा प्रीति, तुम शादी के लिए इनकार क्यों कर रही हो? तुमको पता है ना हम तुमको बचपन से पसंद करते, बचपन में खेल में हर बार तुम हमारी पत्नी बनती थी। तब की बात और थी, खेल था वो, हमने तुम्हें कभी उस नजर से देखा ही नहीं है। देखो प्रीति, मेरा दिल मत तोड़, तुम्हें चाहिए तो और समय ले लो। हम सब सोच समझ कर ही कह। बहुत हो गया तुम्हारा नौटंकी, अगर तुमको शादी नहीं करनी है ना तो ये घर बेच दो। ये घर हमारे भैया और पापा का है, इसमें हमारा भी हिस्सा निकलता है, सुन रही है ना आप? हमको हमारा हिस्सा चाहिए। ये सब कह के काहे को बात बढ़ा रही हो? देखो कितने परेशान हो गए तुम, दिमाग थोड़ा शांत रखा करो, सब ठीक हो जाएगा। अब प्रीति को भी थोड़ा वक्त दो सोचने के लिए, जल्दी क्या है। अब खाओ बेटा, तुम समोसा खाओ, लो लो। अरे खाओ बेटा। ओके थैंक यू। I'm sorry. आपको चोट तो नहीं लगी ना? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं। ये शोर ना। हाँ मैं ठीक हूँ। अच्छा सुनिए, मेरा एक बिजनेस है, MK एडल्ट डाइपर की जो एजेंसी है ना, वो मेरे पास ही है, उसी की मैं डिलीवरी करने आया था यहाँ पे। अगर आपकी पहचान में कोई एडल्ट हो जिनको इस तरह की कोई ज़रूरत हो तो प्लीज़ बताइएगा। वो हमारी माँ बीमार रहती है, तो क्या आपका प्रोडक्ट उनको काम आएगा? बिल्कुल आएगा, और सबसे अच्छी बात तो ये है बहुत ही रीजनेबल है और कंफर्टेबल भी, ये बुजुर्गों को ध्यान में रखकर ही इसे बनाया गया है। वेट वेट वेट, ये लीजिए। ठीक है, कितने पैसे हुए? अरे नहीं, ये तो सैंपल है, आप इसे लेकर जाइए, अपनी मम्मी को बोलिए इसे इस्तेमाल करें, अगर वो कंफर्टेबल होंगी तो नेक्स्ट ऑर्डर आप जब देंगी ना तब मैं पेमेंट ले लूंगा। ओके ठीक है, थैंक यू। आपका पता? जी वो कस्टमर फॉर्म भरवाना पड़ता है ना, ये देखिए। अच्छा लिखिए। थैंक यू। नहीं क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं मानता मेरी बात? क्यों नहीं मानता मेरी बात? जो बोलने को करेगा करेगा ना। क्यों मारा इसे? क्या किया इसने? तो फिर आगे टांग अड़ानी,
ये हमारा मजा है। छोड़ दे, इस पे ना दोबारा हाथ मत उठाना वरना ना पुलिस को बुलाऊंगी। पता है ना, बच्चों के साथ मारपीट करना गैर कानूनी है। प्रीति जी। हाय। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आंटी जी की तबीयत? माँ भी ठीक है। और हाँ, वो डायपर्स की वजह से काफी सुकून है उनको। थैंक गॉड। वो मैं यहाँ पे खाने के लिए आया था। यहाँ बहुत अच्छा पूरी भाजी का स्टॉल है, बहुत फेमस है। आप खाएंगी मेरे साथ? नहीं नहीं, थैंक यू। क्या नहीं नहीं, आइए ना, प्लीज बैठिए। चलते, अरे प्लीज प्लीज चलिए ना, वैसे भी अकेले खाने का मन नहीं होता है। प्लीज प्लीज। खाने तुमको अच्छा नहीं लग रहा है क्या? नहीं नहीं, काफी अच्छा है। और तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? माँ है और भाई है बस। पापा कुछ साल पहले गुजर गए थे। और आपकी फैमिली में कौन कौन है? मेरी जिंदगी में बताने लायक ऐसा कुछ है नहीं, माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। और बीवी बच्चे? मैं तो खुद अभी बच्चा हूँ। वैसे कोई लड़की मिली ही नहीं आज तक, लेकिन हाँ जिस दिन मिलेगी ना उस दिन डायरेक्ट शादी ही कर लूँगा। प्रीति? विनोद? कौन है? विनोद? विनोद? अरे निकल रहा हूँ ना, एक मिनट। विनोद क्या हुआ? क्या कौन है तू? विनोद, हमारी होने वाली बीवी है, समझ गए? विनोद जी क्या बदतमीजी है, ये सेल्समैन है। हमने माँ के लिए डायपर भी इनसे लिए थे, हम जानते हैं ना, मिल गए थे तो पूरी भाजी खाने आए थे बस। पूरी भाजी? प्रकाश लेके जा इसको। चल चल, हम करवाते हैं तेरी आज की। चल बैठ। क्या देख रहे हो भाई? प्रीति के आसपास भी नजर आए ना, जिंदा गाड़ देंगे तुमको। ये जो डायपर लेके घूमते रहते हो ना, वो तुम्हें को पहनना पड़ेगा, समझ गए? चल चल निकल। ब्यूटी पार्लर के बाहर इंतजार करने के बजाय तुम्हें फोन करें तो चलेगा ना? हाँ चलेगा, लेकिन मैं तुम्हें दूसरा नंबर देती हूँ। वो क्या है ना, विनोद मेरा फोन चेक करता है। ठीक है, और हमारा पुराना नंबर भी ना बंद हो गया है, तो हम तुम्हें नए नंबर से फोन करेंगे। ठीक है? ठीक है। भैया दिन में ये सप्लाई का काम और रात को चौकीदारी, दो दो काम करके दिमाग भर आ गया है, पर क्या करें, परिवार के लिए सब करना पड़ता। चंदन फोन दे जरा। क्या बात, नहीं लौड़िया पटाई होगा? भैया मौज तो आप ही ले रहे हैं, आज ये कल वो परसों कोई और है। हाँ वो हम मनोहर लॉज जा रहे थे क्लाइंट से मिलने के लिए, अगर तुम फ्री हो तो वहीं आ जाओ, वहीं से फिर घूमने चलेंगे। शरबत बोला था, पानी नहीं। एक काम तुझसे ठीक से नहीं होता है। आंटी वो शरबत खत्म हो गया था। चलो पैर दबाओ अब। आंटी मैं बहुत थक गई हूँ, अब मुझे भी स्कूल का होमवर्क भी करना है। काम चोर कहीं की? स्कूल का होमवर्क भी करना है। पढ़ लिख कर लाट साहब बनेगी क्या? चुपचाप पैर दबा वरना तेरा ना स्कूल जाना बंद कर दूंगी। दबा जल्दी। क्या हुआ? पापा आंटी मुझसे बहुत काम करवाती है, मुझे होमवर्क भी नहीं करने देती। बेटा वो तुम्हारी माँ है, माँ की तो सेवा करनी चाहिए ना। चलो जाओ अभी अंदर जाओ, और आगे से ना इन सब बातों के लिए मुझे परेशान मत करना, ठीक है? चलो जाओ। आज भी खाना बाहर से खाकर आए हो दीपक? अरे आज भी ज्यादा काम था इसलिए बाहर ही खा लिया। दीपक जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तुम
मुझे अच्छे से देखते भी नहीं हो। तुम्हारा कहीं बाहर चक्कर तो नहीं चल रहा है ना? कितना शक करती हो तुम? हम अभी भी सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं, और अगर सबूत चाहिए तो चलो अंदर। अरे इस हालत में नहीं दीपक, डॉक्टर ने मना किया है। तुम्हारे ना यही नखरे पसंद नहीं है मुझे। दीपक, हाँ दीदी। रवि, हमें लग रहा है कि दीपक हमसे कुछ छुपा रहा है, शायद उसका कहीं चक्कर चल रहा है। सर, हमारी बहन प्रीति कल शाम से घर नहीं आई है। उसके ब्यूटी पार्लर से पता चला है कि वो कल 6 बजे वहाँ से निकल चुकी थी। तो तुमने उसकी मिसिंग कंप्लेंट कल शाम को क्यों नहीं लिखाई? पुलिस 24 घंटे से पहले मिसिंग कंप्लेंट लिखती कहाँ है? प्रीति रोज कितने बजे घर आती है? वैसे तो सर वो 8 बजे तक आ जाती थी, लेकिन अभी कुछ दिनों से थोड़ा सा लेट आ रही थी। क्यों? शायद उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा था। किसके साथ? पता नहीं सर, मैंने कभी पूछा नहीं। शर्मा, प्रीति की डिटेल्स इनसे ले लो। सर, तुम्हें किसी पर शक है? प्रीति का किसी से कोई झगड़ा या अनबन थी? विनोद कहने के लिए हमारा कजन है, वो प्रीति से शादी करना चाहता है, पर प्रीति उसे शादी नहीं करना चाहती है। विनोद, हम तो प्रीति से 2 दिन पहले मिले थे, हमको क्या पता वो कहाँ है? हमने सुना है तू प्रीति को बहुत परेशान करता है, बहुत चिल्लाता है उस पर। सर, प्रीति को तो हम अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, हमें भी उसकी फिक्र है, और आप हमें से सवाल पूछ रहे हैं। प्रीति की माँ अनुराधा का फोन भी आया था, वो बहुत परेशान है। आप प्रीति को ढूंढिए, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। सर, प्रीति की मोबाइल रिकॉर्ड्स, उसके मोबाइल की लास्ट लोकेशन संगठा जंगल के आसपास की है, जिसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। सर, कॉल रिकॉर्ड्स में भी कुछ सस्पिशियस नहीं मिला है, ना कोई लेट नाइट कॉल्स, ना कोई ऐसे कॉल जिसपे बहुत देर तक बातें हुई। सभी कॉल्स या तो काम से रिलेटेड थी या तो फैमिली के साथ। सर, संगठा जंगल में एक लाश मिली है। चेक करो, जरा आसपास चेक करो। सही है, तो प्रीति है। जिसका डर था वही हुआ। सर, इसका सिर फटा हुआ है, शायद किसी भारी चीज से वार किया गया। सर, ये सैंडल देखिए, मतलब वो सैंडल भी प्रीति की थी, पर वो यहाँ से कुछ दूरी पे मिली। हाँ, तो ये प्रीति यहाँ जंगल में क्यों भाग रही थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रीति का किसी ने किडनैप कर लिया हो, और बाद में जब उसका किडनैपर यहाँ उसे मारने के लिए ला रहा हो तो ये बचकर भाग निकली। किडनैपर ने उसका पीछा किया और इस स्पॉट पे आकर उसे दबोच लिया और मार डाला। सर, ये मोबाइल और ये पर्स मिला है। मोबाइल को एविडेंस बैग में डालो और साइबर सेल में भेजो। सर, नहीं सर, कुछ नहीं है। गुप्ता, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, सर, प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत 22 फरवरी की रात 6 से 9 बजे के बीच हुई है। मौत की वजह सर पे भारी चीज, मतलब हथौड़े जैसी किसी चीज से कई बार वार किया गया है। शर्मा, प्रीति की 22 फरवरी की सारी टावर लोकेशन निकालो, और सीसीटीवी फुटेज का क्या हुआ? सर, जंगल के आसपास तो कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं मिला, प्रीति के घर के आसपास कुछ कैमरास मिले हैं, एक टीम उसकी फुटेजेस को खंगाल रही है। सर, हमने प्रीति की ब्यूटी पार्लर क्रॉस चेक किया, लेकिन प्रीति अपने पार्लर से करीब 6 बजे के आसपास निकल गई थी। फिर वो संगठा के जंगल में कैसे पहुंची? शर्मा, उस एरिया के जितने भी हिस्ट्री शीटर हैं सबको उठाओ। प्रीति के भाई ने बताया था प्रीति का किसी के साथ अफेयर था। सर, उसने कहा तो था, लेकिन कॉल रिकॉर्ड्स में ऐसी कोई बात सामने नहीं है। सर, माँ, घर की तलाशी लो। सर, क्या ढूंढ रहे हैं साहब? किस चीज की तलाशी? सर, क्या ढूंढ रहे हैं आप? तलाशी के बाद बताते हैं।
सर ये फोन मिला। ये फोन किसका? ये तो प्रीति का ही फोन है, पर सर वो इसे इस्तेमाल नहीं करती थी। ठीक है सर। सर प्रीति के पुराने फोन को चेक किया, पिछले एक महीने से वो सिर्फ एक नंबर से बात कर रही थी। सर वो नंबर किसी चंदन मिश्रा के नाम पे रजिस्टर्ड है। उठा के लाओ उस चंदन मिश्रा को। सर मैं हमने कुछ नहीं किया है। साहब उस दीपक सिन्हा का अफेयर चालू था प्रीति के साथ, उससे बात करने के लिए वो हमारा फोन इस्तेमाल करता था, कभी कभी तो खुद ही जेब से निकाल लेता था। साहब पुरानी जान पहचान थी तो हमने मना भी नहीं किया, इसके अलावा हम कुछ नहीं जानते साहब, हमने कुछ नहीं किया साहब कुछ। अच्छी कहानी है। कहानी नहीं है साहब, ये देखिए साहब, ये है दीपक सिन्हा। शर्मा इस दीपक सिन्हा की पूरी डिटेल्स निकालो। सर दीपक सिन्हा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें पता चली है। दीपक सिन्हा की दो शादियां हुई, उसकी पहली बीवी राधा 8 महीने पहले 14 जून को अचानक से गायब हो। दीपक सिन्हा ने शिवनगर पुलिस स्टेशन में उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी दर्ज की, लेकिन सर ताज्जुब की बात यह है कि राधा के गायब होने के एक महीने के अंदर दीपक ने दूसरी शादी कर ली मनीषा के साथ। इंटरेस्टिंग। सर अभी दीपक मनीषा और अपनी पहली बीवी से हुई बेटी पिंकी उनके साथ शिवनगर में ही रहता है। शर्मा शिवनगर पुलिस स्टेशन में जाके पता करो कि राधा मिसिंग केस का क्या हुआ। सर जिस दिन दीपक ने राधा की मिसिंग कंप्लेंट लिखाई थी उस दिन कमला नगर में एक जली हुई लाश मिली थी, चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला 25 से 30 साल की औरत थी, गला घोटकर उसको मारा गया। मैंने कुछ लोगों को बुलाया था बॉडी की शिनाख्त के लिए। हमें बॉडी के पास चप्पल मिली है, आप देखिए, क्या आप जानते हैं इसे? बॉडी के पास हमें चप्पल मिली है, क्या आप लोग इसे पहचानते हैं? ये तो शुभांगी की चप्पल है। शुभांगी बेटी की लाश। नहीं सर, सर ये हमारी बीवी नहीं है सर, सर ये इन्हीं की बेटी होगी सर, पता नहीं हमारी राधा के साल में होगी। राधा मिसिंग केस तो अभी भी ओपन है, लेकिन राधा का अभी तक कुछ पता नहीं चला। आपने बॉडी की डीएनए टेस्ट करवाई थी? नहीं, हमने डीएनए सैंपल लिया था, लेकिन चौबे फैमिली ने जब बॉडी की शिनाख्त कर ली तो हम लोगों ने बॉडी उनको सौंप दी। वेरी गुड शर्मा, ये डीएनए प्रिजर्व है, ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। इस चौबे दंपति को ढूंढो, उनकी जरूरत पड़ेगी, तब तक मैं इस दीपक की खबर लेता हूँ। ओके सर। प्रीति? कौन प्रीति सर, मैं किसी प्रीति को नहीं जानता। सर नाटक बंद कर, वो चंदन है ना तेरा सिक्योरिटी वाला, सब उगल दिया उसने, तेरा अफेयर था ना प्रीति के साथ। दीपक ये सब क्या है? इंस्पेक्टर सर क्या बोल रहे हैं? 22 फरवरी की शाम को 6 से 8 बजे के बीच कहाँ था तू? मैं तो ऑफिस में ही था सर। अच्छा क्या सबूत है? सर सबूत तो हम खुद है सर, हमारा प्रीति के खून से कुछ लेना देना नहीं है सर। मैंने खून कब कहा? मैंने तो ऐसा कोई आरोप नहीं लगाया। तुम्हारी बेटी? जी सर। जब तक प्रीति के कातिल नहीं पकड़े जाते शहर छोड़ के मत जाना। आपकी बेटी शुभांगी के केस के बारे में आपसे बात करनी थी, उसका कोई फोटो है आपके पास? जी सर। हम बहुत परेशान थे, हमने उस चप्पल को देखकर उस जली हुई लाश को अपनी बेटी मान लिया था, लेकिन सर हमें लगता है कि हमारी बेटी आज भी जिंदा है। ऐसा क्यों लगता है आपको? पिछली दिवाली को एक फ़ोन आया था और उस फोन पे एक लड़की के रोने की आवाज़ आ रही थी, और सर वो लड़की मुझे पापा बोल रही थी, लेकिन सर अचानक से ही कॉल कट गया। हमने उस नंबर पर कई बार कॉल किया पर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। हमें लगा ये हमारा वहम है, उस वक्त भी हमें शक था कि शुभांगी किसी लड़के के साथ भाग गई है। पूजा जरा चेक करो इन लोगों का शक सही है या नहीं। सर शर्मा इन दोनों के डीएनए सैंपल ले लो और जरा मैच करा के देखो। सर
सर, सर मेडिकल रिपोर्ट, जली हुई बॉडी शुभांगी चौबे की नहीं। तू वो डीएनए दीपक सिन्हा की बेटी पिंकी से मैच करा के देखो। सर, सर सर दिवाली के दिन चौबे फैमिली को जो कॉल आया था वो नागपुर के रमेश नगर के पीसीओ से किया गया था। ये नागपुर पुलिस को कांटेक्ट करो और देखो ये शुभांगी जिंदा है या नहीं। सर लीजिए भाभी, खाना खा लीजिए। ऐसे कब तक चलेगा भाभी, ऐसे में आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी, खा लीजिए। भगवान की इच्छा के आगे किसका जोर चला है भाभी जी, हम भी तो प्रीति को अपने घर की बहू बनाने का सपना देख रहे थे, सब मिट्टी में मिल गया। जिसने भी ये किया है भगवान माफ नहीं करेगा उसको। जाने वाले के साथ मरा तो नहीं जाता ना, हम है प्रकाश है, हम सब आपका ख्याल रखेंगे। वैसे प्रकाश है कहाँ? हाँ ठीक है, जाओ जरा आसपास चेक करो, बॉडी चेक करो। सर सर ये तो प्रकाश है, प्रीति का भाई। एक ही परिवार के दो लोगों का खून होना, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, जरूर इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। सर इसके सिर पे भी वार किया गया है, घाव गहरा नहीं है। ये देखकर लग नहीं रहा है ये क्राइम सीन है, लगता बॉडी को यहाँ लाकर डंप किया गया है। सर ये चादर पे से बाल मिला है, इसे लैब में भेजो। सर और चादर को भी लैब में भेजो, और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर सर नागपुर पुलिस ने इंक्वायरी की है, हमारा शक सही निकला, शुभांगी नागपुर में रहती है अपने पति के साथ। ये रही उन दोनों की फोटो। सर शुभांगी ने कबूल किया कि उसकी माँ बाप इस शादी के खिलाफ थे, इसलिए वो गोरखपुर से नागपुर भाग गई थी। गुड जॉब, ये शुभांगी को गोरखपुर आने के लिए बोलो। सर सर कुछ जली हुई बॉडी का डीएनए दीपक की बेटी पिंकी के डीएनए से 50% मैच करता है, वो बॉडी राधा की ही थी। सर एक और सस्पिशियस बात पता चली, दीपक और उसकी दूसरी बीवी मनीषा बहुत पुराने आशिक है, और मनीषा का भाई रवि हिस्ट्री शीटर है, मारपीट के केस में अंदर जा चुका है। ये दीपक सिन्हा ने अपनी पत्नी राधा की मिसिंग कंप्लेन 14 जून 2019 को दर्ज की थी ना? जी सर। ये मनीषा और उसके भाई रवि की 14 जून 2019 की डिटेल्स निकालो। चल बैठिए। मैम आपको कोई गलतफहमी हुई है, मैं प्रेग्नेंट हूँ और इस हालत में मैं किसी का खून कैसे कर सकती हूँ, और वैसे भी उस दिन तो मैं डॉक्टर के पास गई थी। चुप, एकदम चुप रहे। 8 महीने पहले शिवनगर पुलिस को जिस औरत की जली हुई लाश मिली थी वो तेरी बीवी राधा की थी, और ये बात साबित हो चुकी है। तू बताएगा या तेरे हलक से निकलवाऊं? साहब हमने नहीं मारा उसको, साहब इसने मारा है उसको। साहब झूठ बोल रहा है ये, साहब मैंने किसी को नहीं मारा। साहब 14 जून जिस दिन राधा का मर्डर हुआ, तेरे मोबाइल के टॉवर की लोकेशन उसी एरिया की थी जहां हमें उस औरत की जली हुई बॉडी मिली थी, पूरी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। साहब हमने कहा था ना साहब यही खूनी है। साहब साले कमीने, तेरे लिए किया मैंने सब कुछ, ये हमारे लिए किया, अपनी बहन के लिए किया, हमने कहा था राधा को मारने के लिए। मेरी बहन के लिए तू से बीच में शांत रहे। अब ये भी बताओ कि प्रीति और प्रकाश को क्यों मारा? साहब हम तो प्रीति से प्यार करते थे, हम क्यों मारेंगे उसको? साहब इसने ही मारा है साहब प्रीति को भी। अच्छा प्यार करता था तू, पहली बीवी को मारकर दूसरी शादी की, और दूसरी बीवी के होते हुए तीसरी लड़की के पीछे पड़ा था तू। अगर तू प्रीति की जिंदगी में नहीं आता तो ये उसे नहीं मारता, जिंदा होती हुआ आज। साहब मैंने सिर्फ राधा को मारा। साहब आपके पति दीपक वर्मा है ना जी, आपके पति को हार्ट अटैक आया है, उसके अलावा मैंने किसी को नहीं मारा। साहब इसे नहीं मारा होगा ये। 22 फरवरी की शाम 6 से 9 के बीच कहाँ था तू? साहब मैं तो शादी में गया था साहब। पर तू कहाँ था? हम ऑफिस में थे साहब। शर्मा जरा पता लगाओ कितना सच बोल रहे हैं दोनों, और गुप्ता जरा अच्छे से खातिरदारी करो इनकी। नहीं साहब हमने कुछ नहीं किया। साहब जाना था प्रीति से। सर शुभांगी को शिवनगर पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट देने के लिए भेजा, और ये प्रकाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत गला दबाने की वजह से, मौत से पहले उसके सिर पे किसी भारी चीज से वार किया गया था। सर प्रकाश के चादर पर उसके अलावा और किसी के भी है सैंपल्स मिले। सर
सर, आनंद नगर में जो सीसीटीवी कैमरास मिले थे उनमें से दो कैमरे की फुटेज में कुछ ऐसा मिला है जो काफी सस्पिशियस है। दिखाओ। सर ये देखिए, प्रीति इस कैमरा के सामने से करीब 6:35 पे गुजर रही है और इस कैमरा के सामने वो करीब 7 पहुंच रही है, मतलब सर उसे 25 लगे। लेकिन जब हमने इसके पहले के दिनों की फुटेज को कंपेयर किया तो ये डिस्टेंस कवर करने के लिए वो सिर्फ 10 ले रही थी। मतलब 15 के लिए ये प्रीति कहीं रुकी थी। लेकिन सर उस रास्ते पे सिर्फ एक बंद घर, वहाँ क्या करने गई हो? अब ये तो पता लगाना पड़ेगा। जरा चेक करो वो दरवाजा, देखो चलो जरा चेक करो। राजू सिंह, 6th Division, रूम नंबर 105, शंकर रोड, आनंद नगर। कौन है? बोलो। मैंने दरवाजा तोड़ दोगी। तलाशी लो जरा। सर हुआ क्या सर? ये क्या हो रहा है सर? ये सर मैं इज्जतदार आदमी हूं, आप ऐसा कर नहीं सकते। इज्जतदार आदमी है तू? बेटा ये बैग तुम्हारा है ना? खोलो जी। हाँ। तुम्हारे बैग में ये कट्टा कहां से है? पता ना कहां से आया। कट्टे स्मगल करने के लिए बच्चे का इस्तेमाल करता है तू? नहीं सर। बोल नहीं। बोल सर ये देखो क्या मिला। इज्जतदार आदमी है तू? ये है तेरी इज्जत? बेटा जरा 22 को प्रीति दीदी से मिले। अरे राजू, इस समय स्कूल के कपड़े में और ये स्कूल बैग लेकर कहाँ जा रहा है? अरे भाग क्यों रहा है? तेरा बैग क्यों इतना भारी है? क्या है इसमें ये कट्टा? ये तेरे पास कैसे आया? तेरे चाचू ने दिया ना तुझे ये? आज तो मैं उसका बंदोबस्त करके रहूंगी, उसे जेल बुझवाऊंगी। चाचा प्रीति दीदी को पसंद नहीं करते थे और प्रीति दीदी को गालियां देते थे। प्रीति के पुलिस में कंप्लेन करने से पहले मार दिया उसको तूने? अरे साहब मैं उस दिन उससे मिला ही नहीं, मैं पूरा दिन अपने घर में था। पता ना तेरा चाचा कहाँ था? वो क्या बताएगा? तू कितना सच बोल रहा है सब पता चल जाएगा। थाने चल के तेरे हलक में सौगलवाएंगे। लेके चलो इसे। हेलो, ठीक है हम देखते हैं। सर मुन्ना खबरी का फोन था। आनंद नगर के मनोहर लॉज में हर कमरे में कैमरा लगे हुए हैं, वहाँ कपल साथ है तो उनकी रिकॉर्डिंग की जाए। शर्मा मैनेजर को लेके आओ। पूजा हर एक रूम में बताओ कि हिडन कैमरे लगे हुए हैं, कोई पैनिक नहीं चाहिए। अब लोग जाओ तलाशी लो। अरे साहब हमने क्या किया बता दो साहब। साहब बोल क्या हुआ साहब? कितना हफ्ता चाहिए? मैं देने को रेडी हूँ साहब। पैसा देगा तू साहब? बहुत पैसे आए तेरे पास? बट मैंने किया क्या है साहब? अभी पता चलेगा। गुप्ता बाकी कमरे चेक करो। सर ये दो कैमरास मिले, बाकी कमरे चेक हो रहे हैं। क्या है ये? बोल साहब। बोल वरना मार मार के टमाटर की तरह तुझे लाल कर दूंगा। बताता हूँ साहब, हम तो सिर्फ यहाँ पे काम करते हैं साहब। हमें कहा गया था कि सेक्स वीडियो रिकॉर्ड करके उसकी कॉपी बना के एक आदमी को भेजते रहे। वो आदमी हमें उस सेक्स वीडियो के बदले अच्छे पैसे देता है साहब। कौन है वो आदमी? कौन है वो आदमी? शर्मा जहाँ इन कैमराज की वीडियो रिकॉर्डिंग होती है वो हार्ड डिस्क रिकवर करो। सर
सर मनोहर लॉज से जो हार्ड ड्राइव बरामद हुए थे उनमें कई सारे सेक्स वीडियोस मिले। सर उनमें से एक सेक्स वीडियो में प्रीति भी है। प्रीति? सर ये देखिए। कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूं तुम्हारा आशिक। प्लीज दीपक ये सब मत करो। अरे प्रीति प्यार करते हैं हम तुमसे और कुछ नहीं होगा। दीपक प्लीज दूर जाओ। कुछ नहीं होगा प्रीति, मैं बोल रहा हूँ। दीपक मुझे छोड़ो। देखो शादी के बाद ये सब ठीक है लेकिन उसके पहले कुछ भी नहीं। मुझे घर जाना है। प्रीति हमारी बात सुनो सॉरी। अब गलती हो गई हमसे, प्यार करते हैं तुमसे इसलिए थोड़ा सा बहक गए थे, पर तुम्हारी मर्जी के बिना हम तुम्हें कभी हाथ भी नहीं लगाएंगे, सच कह रहे हैं। और जल्दी हम तुम्हारे घर आएंगे शादी की बात करने। सच? हाँ प्रॉमिस। उठा के लाओ इन मर्डर्स के मास्टरमाइंड को। सर सीधे सीधे सच्चाई बताओगे या और मार खाओगे? बता रहे हैं। उस लॉस से हमने जब नए वीडियो का स्टॉक मंगाया तो उसमें हमको प्रीति भी दिखी। हमारा माथा घूम गया, इसलिए घर जाते हुए प्रीति को हमने बात करने के बहाने गाड़ी में बैठाया और जंगल के पास लेकर गए। ये सब काम करती हो तुम? होटल में जाके रंगरलियां मनाती हो? कल को रास्ते में खड़े होकर धंधा करोगे? ये घटिया काम तुम्हें पसंद है पर मेरा बेटा नहीं। देखिए फूफा जी, हमसे ना तमीज से बात कीजिए और ये हमारा पर्सनल मामला है, आप बीच में मत पड़िए। प्रीति तो जिसके साथ मुंह काला कर रही है ना होटल में, वो दीपक वर्मा शादीशुदा है। वो दो शादी की है उसने, उल्लू बना रहा है तुझे। झूठ बोल रहे हैं आप। और ये वीडियो दिखा के आप क्या बताना चाहते हैं? लॉज में कैमरा लगा हुआ था ना, ये सब आपको कैसे पता चला? आप पहले खुद के कैरेक्टर को देखो कि आप कैसे हो। फूफा जी आपकी जो ये असलियत है ना, मैं सबको बताऊंगी, देखना मैं सबको बताऊंगी। ये बात हमने अपनी बीवी को बता दी, पहले तो ये हम पे बहुत गुस्सा हुए, फिर इसको बदनामी का डर लगा तो। सुनो जी, हमको ना इस शहर छोड़कर चले जाना चाहिए, पर इस पुलिस वाला बहुत होशियार होते हैं, अगर उनको पता चल गया कि प्रीति का खून आपने किया है तो जिंदगी भर जेल में सड़ोगे फिर। कितनी बार तुमसे कहा है कि ये बातें मुंह से मत निकाला करो। हमने मारा प्रीति को। देखो देखो प्रकाश, पुलिस के पास जाएंगे और सब कुछ सच सच बता देंगे। हमारी बात सुनो प्रकाश, हम बात समझा रहे ना तुमको क्या हुआ था। हम उसकी लाश चादर में लपेट कर लेकर गए और जब फेंकने लगे तो हमको चादर पे खून लगा हुआ दिखा, इसलिए हमने चादर भी वहीं छोड़ दी। अब वही चादर तुम्हें फांसी के फंदे तक पहुंचाएगी, उस चादर पे तुम्हारे बाल मिले हमें। इन दोनों के खिलाफ दोनों मर्डर की चार्जशीट बनाओ। सर प्रीति और प्रकाश के खून के आरोप में चरणदास और उसकी पत्नी सुमन को सजा मिली। दूसरी तरफ राधा की हत्या के मामले में कोर्ट ने दीपक, मनीषा और उसके भाई रवि को दोषी करार दिया। हमने अक्सर लोगों को कहते सुना है कि किसी की सूरत देखकर उसकी सीरत का पता लगाया जा सकता है, लेकिन आज के जमाने में ये कहावत बिल्कुल लाजमी नहीं है। किसी पर भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन भरोसा करने से पहले उस इंसान को अच्छे से जांच लेना, परख लेना बहुत जरूरी है। सतर्क रहकर ही ऐसे दगाबाजों से हम खुद को बचा सकते हैं। तो अब मैं दिव्यांका त्रिपाठी दही आपसे लेती हूँ विदा, फिर मिलूंगी नई और सच्ची कहानियों के साथ। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।